साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे सीलिन टैबलेट। साथियों सीलिन टैबलेट विटामिन सी टैबलेट है, 500 एमजी टैबलेट है। साथियों कोए फार्मा, साथियों कोए फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। साथियों साथियों 15 टैबलेट स्ट्रिप है। साथियों ये 38 रुपीज़ 36 पैसे की जो है टैबलेट है, 5, 10, 15, 20, 25 नहीं साथियों 25 टैबलेट की ये जो है स्ट्रिप है। साथियों ये जो है 38 रुपीज़ 36 पैसा की स्ट्रिप है, 25 टैबलेट की स्ट्रिप है। सीलिन साथियों बहुत ही फेमस ब्रांड है, 500 एमजी टैबलेट जिसमें कंपोजिशन होता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी। साथियों आजकल कोविड के दौर में जो है इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन करने के लिए जो है विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी टैबलेट सीलिन टैबलेट जो है बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। साथियों इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में, साथ ही साथ इसके बेस्ट यूजेस की बात करेंगे और साथ ही साथ साथियों इसके साइड इफेक्ट की बात करेंगे, साथियों डोजेस की बात करेंगे, साथियों एंड स्पेशल प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे, इंट्रैक्शन की बात करेंगे। साथियों साथियों जो हमारे पास प्रोडक्ट है सीलिन है, विटामिन सी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। साथियों विटामिन सी इज यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट लो लेवल ऑफ विटामिन सी इन पीपल्स हु डू नॉट गेट इनफ विटामिन सी फ्रॉम फूड योर डाइटरी सप्लीमेंट। कहने का मतलब यह है साथियों कि बैलेंस डाइट नहीं जो लोग खा पाते हैं या भाग दौड़ की ज़िंदगी में प्रॉपर भोजन नहीं करते हैं और जो उनको विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाता है, ऐसे केस में लो लेवल ऑफ विटामिन सी जो है उसको जो है कमी को पूरा करने के लिए जो है सीलिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एक चीज़ और बताऊंगा, विटामिन सी जो है साथियों वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये साथियों क्या होता है बॉडी से यूरिन के थ्रू निकलता रहता है, इसीलिए साथियों जो है विटामिन सी जो है कमी ना हो इसलिए जो है क्या होता है लेमन, खट्टे फल खाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन जूस पीते रहते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कीवी फ्रूट खाते हैं और कैबेज खाते हैं और जो सीजनल फ्रूट है जैसे संतरा है, संतरे में विटामिन सी होता है, आंवला है, आंवले को जो है खाते रहते हैं, उससे क्या होता है बॉडी के अंदर हमारे विटामिन सी बनता रहता है और निकलता रहता है यूरिन के थ्रू। साथियों जो लोग इस तरह का भोजन नहीं पर्याप्त मात्रा में पा पाते हैं उसमें जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट पीपल हु ईट ए नॉर्मल डाइट डू नॉट नीड एक्स्ट्रा एस्कॉर्बिक एसिड, और जो नॉर्मल डाइट जिस तरह से हमने बताया है कि सिट्रस फ्रूट खाते रहते हैं, आंवला खाते रहते हैं, संतरा खाते रहते हैं, लेमन जूस खाते रहते हैं और कीवी खाते हैं, कैबेज खाते हैं, उनको जो है ये टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उनको विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है। विटामिन सी की कमी से जो है क्या होता है साथियों एस्कॉर्बिक एसिड होता है और उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो है उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए विटामिन सी खाया जाता है। साथियों लो लेवल ऑफ विटामिन सी कैन रिजल्ट द कंडीशन कॉल्ड स्कर्वी रोग, इससे क्या होता है स्कर्वी रोग हो जाता है जिसको सूखा रोग कहते हैं। साथियों इसके जो सिम्टम्स होते हैं सच एज मसल वीकनेस, इसमें क्या होता है मसल्स की वीकनेस हो जाती है और जोड़ों में बहुत दर्द होने लगता है और थकान बहुत जल्दी हो जाती है और क्या होता है कि मतलब शरीर जो है बहुत जल्दी थक जाता है और मसूड़ों से जो है खून आने लगता है, टूथ जो होते हैं टूथ लॉस होते हैं, दांत गिरने लगते हैं मसूड़ों को, इस तरह के लक्षण होते हैं तो उसमें क्या होता है विटामिन सी की जो है कमी होती है। साथियों क्या होता है विटामिन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इट इज़ नीडेड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ स्किन, और ये क्या करता है कि शरीर की स्किन को जो है चमकदार बनाता है, कार्टिलेज को मेंटेन रखता है, कार्टिलेज को डैमेज होता है तो रिपेयर करता है, और टीथ और बोन ब्लड वेसल्स को जो है मेंटेन रखता है, चमकदार बनाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर बॉडी सेल्स फ्रॉम डैमेज, और ये क्या होता है बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डैमेज नहीं होने देता, डैमेज होते हैं तो उनको रिपेयर करता है। साथ ही ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन सी है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, कोए फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है। साथियों डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, साथियों इसके बहुत से यूजेस हैं, साथियों हम संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। साथियों विटामिन सी जो हमारे पास है सीलिन में रिड्यूस दी योर रिस्क ऑफ मतलब क्रॉनिक डिजीज, जैसे क्या होता है क्रॉनिक डिजीज होती है तो उसके जो है लोड को कम करती है अगर विटामिन सी खाते रहेंगे। इट हेल्प्स टू मेंटेन दी हाई ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनको जो है क्या होता है कि यह ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है विटामिन सी खाने से, एंड ये क्या करता है हार्ट की जो बीमारी होती है तो क्या होता है मे लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज,
और हार्ट की डिजीज नहीं होने देता। अगर हार्ट डिजीज है तो उसको मेंटेन करता है और रिस्क की तरफ नहीं बढ़ने देता। इट रिड्यूस दी ब्लड यूरिक एसिड लेवल। और ये क्या होता है कि जो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है उसको मेंटेन करता है, और जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, गठिया हो जाता है, मतलब प्रिवेंट गॉट अटैक। और ये क्या होता है, गॉट ना होने देता है और उससे प्रिवेंट करता है। एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट आयरन डिफिशेंसी। और ये क्या होता है कि खून की कमी को भी पूरा करता है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट रखता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्रोटेक्ट योर मेमोरी। और ये क्या होता है कि बच्चों में, बड़ों में क्या होता है, मेमोरी बहुत शार्प करता है। प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। साथियों क्या होता है, सीजन चेंज होता है उसमें सर्दी जुकाम गले में खराश खांसी हो जाती है, ऐसी समस्याएं नहीं होता है। और कैंसर का रिस्क इससे बहुत रिड्यूस होता है। तो क्या होता है, रिड्यूस कैंसर रिस्क, प्रोटेक्ट अगेन आई डिजीज। और आंखों की जो है कोई बीमारी नहीं होती है इसको खाने से। नेसेसरी फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यूज। और ये क्या होता है, शरीर में ऑल टाइप के आप बॉडी टिश्यूज होते हैं उनको जो है डैमेज होते हैं तो रिपेयर भी करता है और मेंटेन रखता है। साथियों ये कार्टिलेज को भी मेंटेन करता है, बोन को भी सही रखता है, टीथ को भी, दांतों को भी चमकदार करता है, और स्किन में रिंकल नहीं पड़ते हैं। जैसे ओल्ड एज जेरियोटिक होते हैं, ऐसे केस में अगर वो विटामिन सी खाएंगे तो उनके रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। साथियों प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इम्यूनिट सिस्टम डिफिशेंसी। और क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, और किसी का मतलब रोग प्रतिरोधक कमज़ोर है तो उसको जो है मजबूत करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होने देती है विटामिन सी खाने से, आर्थराइटिस कभी नहीं होता है, और शरीर में किसी तरह का जो है सूजन है और जो है उसको इन्फ्लामेशन को जो है रोकता है। साथियों ये बहुत ही अच्छा विटामिन है। ये क्या होता है, एक चीज़ और बताऊँगा, जो युवा होते हैं, कहने का मतलब जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो अपने में चेहरे में चमकदार बनाने के लिए इस टैबलेट को क्रश करके और उसको जो है लेप अपने चेहरे पे लगाती हैं, और स्किन उससे स्किन भी ग्लो करती है, और साथ ही साथ इसको खाते भी हैं, तो उससे क्या होता है, चेहरा एकदम चमकदार हो जाता है। साथियों इस तरह से बहुत से यूजेज हैं। साथियों इसको खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, वैसे तो इसमें जो है सेफ होता है, वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेफ है, बट ओवरडोज लेने से जो है एडवर्स रिएक्शन दिखा सकता है कभी कभी। जैसे क्या होता है कि हार्ट में बर्न होने लगा, कहने का मतलब ऊपर की तरफ गैस ऐसा लगेगा, हार्ट में बर्न होगा, नोजिया होगा, सर में दर्द होने लगता है, और मसल क्रेम हो जाते हैं, पेट के अंदर ऐठन मरोड़ हो जाता है और डायरिया हो जाता है। तो ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म या ओवरडोज ले लेंगे तब होता है। साथ ही इसीलिए वंस ए डे खानी चाहिए। अगर हेल्दी पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे स्कर्वी रोग हो गया है, सूखा रोग हो गया, ऐसे केस में एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम खाई जाती है, अदरवाइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा खाना चाहिए। साथियों डोजेस की बात करेंगे, अगर 7 से 12 साल का कोई बच्चा है तो उसको 50 मिलीग्राम जो है पर डे विटामिन सी चाहिए। साथियों मेल अगर पुरुष है 14 से 18 साल की उम्र है तो 75 मिलीग्राम पर डे चाहिए। अगर फीमेल 65 साल तक की फीमेल अगर है 14 से 18 साल तो उसको 65 मिलीग्राम पर डे चाहिए साथियों। और एडल्ट में जो है साथियों, जैसा कि इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग जो है साथियों ये इसकी डोज है। साथियों स्पेशल प्रिकॉशन और वार्निंग की बात करेंगे तो उसमें जो है किडनी स्टोन में इस दवाई को नहीं खाना चाहिए। इम्पायर्ड फंक्शन अगर किडनी के है तो उसमें नहीं खाना चाहिए। और अगर मेटाबॉलिक डिफिशेंसी कॉल्ड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेट, जिसको हम G6PD कहते हैं, G6PD डिफिशेंसी एक होती है, अगर वो अगर किसी पर्सन को है तो ऐसे केस में नहीं खाना है। कहने का मतलब है दो जगह ज़्यादातर इसको नहीं खाना है। तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर कोई किडनी स्टोन से ग्रसित है मरीज उसको नहीं खाना है, जिसको क्या कहते हैं एंजाइम डिफिशेंसी है जिसको G6PD कहते हैं उसको ये टैबलेट का सेवन नहीं करना है। साथियों इंट्रेक्शन की बात करेंगे तो जैसे निफिडिपिन है, फिलोडिपिन है, उसके साथ इसका जो है इंट्रेक्शन होने के चांस है। एस्प्रिन के साथ नहीं खाना चाहिए, एसिटामिनोफेन के साथ नहीं खाना चाहिए, वारफरीन है या फिर नायासिन है बी कॉम्प्लेक्स का, उसके साथ इस दवाई टैबलेट को नहीं खाना चाहिए। साथियों बहुत ही अच्छी टैबलेट है, मार्केट में इजीली से मिल जाती है। साथियों ये जो है 25 टैबलेट की स्ट्रिप है, 38 रुपये 36 पैसे की, कोए फार्मास्यूटिकल की, सीलिन 500 mg। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।